हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन में। गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, इस वीडियो में आपको आज बताऊंगा सेफ्टी टैंक का इनपुट और आउटपुट किस तरीके से निकाला जाता है। और कुछ भाइयों के कमेंट आए थे कि सेफ्टी टैंक का एयर पाइप कहाँ से कैसे लगाया जाता है। आज मैं इस वीडियो में कुछ भाइयों के कमेंट थे उनके आंसर मैं इसी वीडियो में कम्प्लीट करूँगा, क्योंकि उनको इसी काम के, इसी सेफ्टी टैंक के रिलेटेड जो कमेंट थे उनको मैं आज आपके सामने पेश करूंगा। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, मेरे साथ वीडियो में बने रहना। किस तरीके से मैंने इनपुट लगाया है और एयर पाइप लगाया है, आउटपुट किस तरीके से लगाया है और आउटपुट लगाने का तरीका क्या, किस तरीके से अपने, मतलब अच्छे से वीडियो को देखना। सो जो भाई चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं आपके सामने हमने वाइट यूज़ की है और दूसरी साइड हमने ऑफसेट लगा करके और एक साइड हमने 90 डिग्री का एल्बो यूज़ किया है जो कि 110 एमएम का है। आपके सामने मैं सॉल्वेंट लगा रहा हूँ और देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से सॉल्वेंट लगा करके और यहाँ से हमारा पॉइंट जो बाहर को सेफ्टी टैंक की ओर जाएगा। ये हमने गाइस जॉइंट लगा दिया है। और गाइस, इसमें क्या है कि ये दो टॉयलेट है, एक में जो स्टैंडिंग है जो फ्लोर माउंट और एक सिंपल इंडियन टॉयलेट से उड़ीसा पैन है, तो हमने वाइट यूज़ कर लिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऑफसेट है इसको मैं फिट कर रहा हूँ अच्छे से, आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं। ये हमारे टॉयलेट वेस्टेज का पाइप है और ये आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा पाइप किस तरीके से क्रॉसिंग होगा, हम अच्छे से आपको दिखा रहे हैं एक एक पॉइंट। गाइस, ये जब हम काम करते हैं तो हमें सारी मिट्टी की सही अच्छे तरीके से सतह बनानी चाहिए और अच्छे तरीके से उसकी नीचे से मिट्टी जो कुटाई करनी चाहिए, कभी भी पाइप नीचे को दबने का चांस ना रहे, कोई भी सीपेज शुरू हो जाए तो सीपेज के कारण मिट्टी बैठती है और उसके बाद पाइप डैमेज होता है, उससे ज़्यादा नुकसान होता है। सो गाइस, हमने अच्छे से सेटिंग वगैरह कर ली मिट्टी की और हमने ये देखिए एल्बो रख लिया यहाँ पे। और गाइस, मैं अभी आपको आगे की ओर लेके दिखाता हूँ जो सेफ्टी टैंक की ओर ही हमारा एल्बो लग के पाइप सेफ्टी टैंक की ओर जाएगा। और ये जो एक 90 एमएम का पाइप आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये वाइट कलर का गाइस, ये है ड्रेनेज पाइप जो कि सेफ्टी टैंक के बीच में से क्रॉसिंग हो रही है इसकी। ये आप देख सकते हैं, ये सेफ्टी टैंक के बीच में से क्रॉस हो रहा है। तो ये है सेफ्टी टैंक, आप देख सकते हैं जो कि इनपुट जो है उसके इनपुट वाली साइड जो पहला चैम्बर है इसके नीचे से होल दिया गया है और जो दूसरा चैम्बर है वहाँ के उसके ऊपर से कट दिया गया, आप देख सकते हैं। और गाइस, ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम देख सकते हैं, हमारा सेफ्टी टैंक के बीच में से क्रॉस होता हुआ वो वहाँ से बाहर निकल गया, आपको दिखाई दे रहा है। और आपको मैं अच्छे से और टॉयलेट का इनपुट करके दिखाऊंगा किस तरीके से किया जाएगा। और गाइस, ये यहाँ से हमारा सेफ्टी टैंक का आउटपुट निकलेगा, अब मैं आपको उसे दिखाता हूँ ड्रेनेज सिस्टम डाल लेने के बाद। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं हमने आउटपुट को एल्बो लगा करके डाउन में लगा के और हमने आउटपुट बाहर को निकाल दिया है और ये आप देख सकते हैं अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है। और ये है ड्रेनेज सिस्टम और आपको अच्छे से चैम्बर दिखाई दे रहे हैं सेफ्टी टैंक के। और ये देखिए आपके सामने तीन पाइप इसमें से क्रॉस हो रहे हैं, एक पाइप हमारा इनपुट का है ये आपको दिखाई दे रहा है टॉयलेट का, और ये ड्रेनेज का, और ये आउटपुट है सेफ्टी टैंक से, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। गाइस, ये जो कट लगा हुआ है इसके बारे में मैं भी
आपको लास्ट में बताता हूँ ये कट किस लिए लगाया गया। सो गाइस, ये देख सकते हैं आप हमने किस तरीके से इनपुट जो कि वाटर अपने सेफ्टी टैंक के अंदर डाल दिया। और गाइस, ये छोटा सा टुकड़ा लगा हुआ है, यहाँ पे एक और टॉयलेट बनेगा, ये उसके लिए ये छोटा सा टुकड़ा लगाया गया है। ये आपको दिखाई दे रहा था अभी, और ये अच्छे से फिर मैं दिखा रहा हूँ आपको ये आउटपुट का। गाइस, मैं अभी आपको लास्ट में समझाता हूँ इसका क्या क्या वजह है जो हमने ये आउटपुट में ये कट लगाया है। गाइस, अभी मैंने आपको दिखाया अपना इनपुट और आउटपुट। अब गाइस, एक चीज़ का और ध्यान रखा जाता है, जो गाइस ये आपको देख रहे हैं ड्रेनेज पाइप हमारी बीच में से क्रॉस हुई है, जो दीवार के अंदर हमने छोटा सा कट लगाया है आपको दिखाई दे रहा है, चैम्बर की दीवार में हमने कट लगा रखा है, कम से कम 2 इंची पाइप यहाँ पर अच्छे से रख जाएगी। गाइस, ये कट किस लिए लगाया गया है कि इस कट की वजह से हमारे इस चैम्बर जो, क्योंकि इसके नीचे से हमने होल किया हुआ है, तो इस चैम्बर की जो गैस कहीं निकल नहीं पाती, इसलिए इस कट को लगा दिया जाता है। अगर गैस पाइप ना लगाई हो तो हमारे जो सेफ्टी टैंक के आउटपुट वाली जगह होती है वहाँ से अच्छे से गैस निकल जाती है। और गाइस, मैं अभी आपको बताता हूँ आउटपुट में गैस किस तरीके से निकलती है, गैस पाइप की ज़रूरत होती है या नहीं होती, मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, आपने देखा कि मैंने आपको सेफ्टी टैंक के आउटपुट में जो हमने एल्बो लगाया है, वो गाइस एल्बो किस लिए लगाया कि जब हमारा सेफ्टी टैंक यूज़ होता है शुरू, मतलब उसको शुरू जब हम उसको स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं उसकी, तो धीरे 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 उसके ऊपर की सतह पे एक परत जम जाती है, कम से कम 4 इंच 5 इंच मोटी। तो उस परत को क्रॉस करके एल्बो हमारा नीचे के पानी के अंदर रहता है, जो कि वेस्टेज नीचे से क्रॉसिंग होता हुआ आउटपुट से बाहर जाता है। और आपने देखा कि एल्बो के ऊपर हमने एक टक लगा रखा है, काट के रखा हुआ है। गाइस, अगर किसी के घर में एयर पाइप ना लगी हो तो उसे एल्बो को जो काट दें, अगर एल्बो नीचे को लगा हो तो उस एल्बो को काट दें और ऊपर से उसकी एयर पाइप जो आउटपुट के जरिए से बाहर निकल जाती है। पर गाइस, सबसे बेस्ट तरीका जो होता है गैस पाइप हमेशा बिल्डिंग के जो टेरेस तक पहुंचनी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम वो आउटपुट किसी गली में निकालते हैं तो गली में फिर बदबू आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम किसी कुएं में डाल देते हैं तो कुएं में डालने से क्या होता है भाई, हमें एक अलग से गैस पाइप जो सिर्फ टैंक से निकालनी पड़ती है, जो कि अपनी बिल्डिंग की टेरेस तक पहुँचती है। सो गाइस, आपको मैंने जो भाई ने कमेंट किया था, मैंने उसका आंसर आपको दे दिया है। और वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और गाइस वीडियो को लाइक करना, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।